सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा परिणाम। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गांव रौली गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी डांडा छानी से। तो अभी आई हूँ मैं जंगलों में और जंगलों के बीचों बीच हमारे गाँव की डांडा छानी है। तो यहाँ पे भी डांडा छानी है चाची औरों की। तो ये देख सकते हैं चाची लोग भी बैठे हुए हैं गुठियार में और चाय पी रहे हैं। तो चाची औरों के गोर बल्द और भैंस आजकल जंगल आ रखे हैं चुगने के लिए मतलब, और वो तो सुबह ही आ गए थे यहाँ पे। और अब जा रहे हैं हम जंगल लकड़ियों के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं दिन के और जंगल जाने का टाइम भी हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज जंगल की सैर करके आऊँ और लकड़ियाँ लेके आऊँ। तो चाची ने यहाँ पे देख सकते चाय भी रख दी गिलास में, चाय पिए वाले हंसी आ रहे हैं उनको तो मैं और दीपक जाएंगे हम साथ में और गांव के और लोग भी आएंगे जंगल, तो वो शायद थोड़ी देर में आते हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। तो पहले चाय पी लेते हैं। तो चाय के साथ साथ हम रोटियां भी खाएंगे। और ये देख सकते हैं चाची ने आलू और प्याज की सब्जी बना रखी है और ये देख सकते हैं मंडवे की मिक्स रोटियां बना रखी है। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादा मंडवे की रोटी खाना पसंद करते हैं लोग, और मंडवे की रोटी खाने में बहुत ही मीठी और हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इसीलिए हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर मंडवे की रोटियाँ ही बनाना पसंद करते हैं हमारे पहाड़ी लोग। बस नया है जी नाम वीडियो देख रहे मेरे ऐसे लग कोई बात है अब तो है सही नहीं पर बीजी तो भी खा रहा है। तो चाय और रोटी भी हमने खा लिया है और अब चल चुके हैं हम जंगल की तरफ। और सामने देख सकते हैं जंगलों के बीचों बीच हमारे घड़ियाल देवता का मंदिर भी है। तो ये हो घड़ियाल देवता के दर्शन भी हो गए दूर से ही और आपको भी दूर से ही दर्शन करा दिया मैंने। और मौसम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है मौसम, बारिश भी आने वाली है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेब का पेड़ है हमारे पहाड़ी सेब, और इस पर आजकल फूल खिल रहे हैं छोटे छोटे से, और इस वाले अखरोट के पेड़ पे अखरोट भी आ रखे हैं। तो मैं अपने डांडा छानी में भी आ चुकी हूँ और भाभी भी छानी में ही है, और हमारे बैल तो चढ़ने के लिए जा रखे हैं जंगल में। तो मैं रस्सी लेने आ रखी हूँ यहाँ छानी में, ये देख सकते हैं भाभी बल्दों के साथ आ रखी है। और मैं ये वाली रस्सी लेने आई थी क्योंकि लकड़ी लेने जा रहे हैं ना। तो जंगल जाने से पहले हमें दराती पर धार लगानी पड़ती है ताकि दराती जल्दी जल्दी लकड़ी काट दे, अच्छे लगे लकड़ियों पर। तो दीपक दत्ती पला रही है यहाँ पर अभी, मैं तो पूरा नहीं देखे दीपा को शर्म लग रही, कह रही मेरे को पूरा मत दिखाना बस तो अभी हम जंगल में काफी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ना हमें एक चीज दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दे। तो दीपा ने बताया यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है और उसमें अंडे भी है। तो हमारी एक पहाड़ी चिड़िया होती है जिसका नाम घुगती होता है, तो उसी का घोंसला है यहाँ पे, तो दिखाती हूँ आपको। हाँ तो इस पेड़ भी बना रखा है घुगती वाली चिड़िया ने अपना घोंसला, दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हैं दो अंडे और ये घोंसला बना रखा है काफ़ी अच्छा सा घोंसला, वाह। तो चलते चलते हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं जंगल में। तो जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूँ तो इस जगह का नाम है सानखाल, और यहाँ को सानखाल बुग्याल भी बोला जाता है। जब गर्मियों के टाइम पे यहाँ गाय भैंसे और बकरियाँ मतलब सभी प्रकार की मवेशियाँ जंगल में आती हैं चुगने के लिए, तो सभी इस जगह पे इकट्ठा हुए रहते हैं। तो आजकल तो किसी के भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है, शाम का टाइम हो चुका है, इसलिए लोग अपने गाय भैंस को नीचे ले गए हैं नीचे साइड जहाँ छानियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ डर भी होती है बाघ वगैरह वगैरह की। तो इसलिए सभी लोग ले जा चुके हैं अपने गाय भैंसों को। और यहाँ पे देख सकते हैं बुरांस और देवदार, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे बांस के पेड़ हो रहे हैं। तो आजकल पतझड़ के मौसम की वजह से सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं बांस के और नई पौल आ चुकी है पेड़ों पे। तो ये देख सकते हैं त्योंज के पेड़ पे पूरा नए पत्ते आ चुके हैं, नई पौल आ चुकी है बांस और त्योंज के पेड़ पे। और नीचे देख सकते हैं सानखान बुग्याल में लड़कों ने यहाँ पिच भी बना रखी है खेलने के लिए, तो यहाँ पे लड़के लोग मैच भी खेलते हैं, खूब मजा करते हैं यहाँ पे। और मौसम देख सकते हैं इतना ख़राब हो चुका है, बारिश आना भी शुरू हो गया है। अभी हम
जंगल तक पहुंचे भी नहीं पूरा और बारिश आ गई। आज तो बुरे हाल होने वाले हैं ठंड से, और बारिश आने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। तो जंगल तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बर्फबारी शुरू हो गई, ओले पड़ रहे हैं भयंकर और इतनी ठंड लग रही है, भीग गए हम। और ये देख सकते हैं अभी हम जिस चीज़ के लिए जंगल आए थे, तो ये है हमारी पहाड़ी कंदमूल सब्जी भी बोल सकते हैं। और ये प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के जंगलों में उगती है और इसे कहते हैं खुंतड़ा। तो इसकी ना बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और इसे ही ढूंढने हम यहाँ आए थे जंगलों के बीचों बीच। तो ये देख सकते हैं पूरे जंगल में बारिश ही बारिश शुरू हो गई है और ओले पड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं ओले। तो पहले हम सब्जी ढूंढ लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे जंगलों में खाली खाली जगह है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये खुंतड़े वाली सब्जी उग रखी है। तो ये देख सकते हैं, और ठंड से ना बुरे हाल हो गए, हाथ ऐसे सुन्न हो गए ना ओले पड़ने की वजह से। तो अभी तक इतने खुतड़े मिले हैं हमें, और जंगल में देख सकते हैं बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है, और ये देख सकते हैं पैरों के क्या हाल हो गए। और भूली उस साइड ढूंढ रही है खुतड़े, भूली को भी थोड़े से मिल रखे हैं। और मौसम इतना ख़राब हो गया ना जंगलों में, भयंकर ठंड लग रही है जंगल में, और आजकल तो पूरे बुरास के पत्ते झड़के हैं, इसलिए ज़्यादा ही फिसलन हो गई जंगलों में। तो काफ़ी छानबीन के बाद हमें इतने खुतड़े मिले, और तेरे को कितने मिले? दीपा को भी काफ़ी सारे मिल रखे हैं। तो आज की सब्जी के लिए काफ़ी है, और अब ना हम अपने लिए लकड़ियाँ काटेंगे घर ले जाने के लिए, क्योंकि खाली तो हम जाएंगे नहीं, और ठंड से इतने बुरे हाल हो गए, हाथ सुन्न हो गए बिल्कुल, बाप रे। अभी थोड़ी सी बारिश बंद हो रखी है, तो हम अपने लिए लकड़ियाँ ढूँढ लेते हैं, सूखी लकड़ी तो मिलेगी नहीं, थोड़ी सी कच्ची लकड़ियाँ काट लेते हैं। तो लकड़ियाँ भी मैंने काट दी है, और अब लगाने जा रही हूँ मैं लकड़ियों का भारा। तो मैंने रस्सी यहाँ पे पहले से बिछा दी है, और यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ काट रखी, आधा सूखी आधा कच्ची, भारा लगा देते हैं पहले। मेरा लकड़ियों का भार लग के रेडी हो चुका है, और मैंने दराती भी भार पे लगा दी है ताकि कहीं छूटे ना, और दीपा अब लगा रही है अपने लकड़ियों का भार। किसा अब लगने वो लकड़ो भार भाई, ग्रास से इतनी ठंड लग गई ना बाप रे, अब तो बारिश भी बंद हो गई है देख सकते हैं, और जंगल इतने सुनसान हो रखे ना, आजकल कोई भी नहीं आ रहा जंगल, पता नहीं क्यों डर भी लग रही है यहाँ भयंकर वाले। जो अलग चाहे गंदा यार, खरीच हो क्या लगने वो खरीच हुए कोई सुन दो मेरी खैरी, कोई जान दो मेरा दुख है। हाँ यार, तो दीपा ने भी लगा दिया है लकड़ियों का भार, और अब चलते हैं घर, नहीं तो कुछ जानवर आ जाएगा यहाँ से। तो भार भी उठा लिया है, अब चलते हैं घर। टन टन। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेड़ गिर रखा है रास्ते में, और इसी पेड़ के ऊपर से रास्ता लगा रखा है लोगों ने आजकल। तो हे गाइस, आज तो बुरे हाल हो गए, यहाँ देख सकते हैं यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो गया है, और हम जंगलों के बीचों बीच है, अब कैसे जाएं हम घर समझ में नहीं आ रहा, और सामने हमने लकड़ी का बाहर नीचे रख रखा है, और यहाँ पे हम पेड़ के नीचे आए थे, लेकिन ये ओले यहाँ पे भी पड़ने लग गए, बहुत बुरे हाल हो गए ठंड से। काफी बर्फ पड़ चुकी है जंगलों में, ये देख सकते हैं सारा खराब चार फोटो देख सकते हैं बारिश।
पूरा हाल। तो अभी हम काफी नीचे आ चुके हैं जंगल से और पूरे हाल हो गए, और मैं तो दो बार नीचे गिर गई लकड़ियों को लेके, तीन बार। और आज देख सकते हैं जंगल में इतनी भयंकर हवा चल रही है, भयंकर और डाउल चल रहा आज हमारे पहाड़ में, बहुत बुरा हाल है कि ठंडल भाई। तो छानी में भी आ चुके हैं हम और आज तो भयंकर बुरे हाल हो गए, और यहाँ पे ये छोटी बुली चाय बना रही है हमारे लिए और चाची वहाँ बीड़ी पी रही है सो रखी है पत्तों के ऊपर। और चाची और की भैंस भी आ चुके हैं छानी में और ये तो मारने के लिए आ रही है, तो अब न्यून वालों मारा खा। और चाची देख कहाँ सो रखी है पत्तों के ऊपर, नींद आ रही थी, नींद आ रही है पत्तों के ऊपर है, प्यारी भैंसी है दीपा बोली, मेरी प्यारी भैंसी है। और इसके अंदर भी एक छानी है, वहाँ पे बैल रख रखे हैं चाची और ने, ये देख सकते हैं बैलों के लिए अलग ही बना रखी है छानी। और इस साइड देख सकते हैं पत्ते रख रखे हैं पशु बिछावन के लिए, बांस के पत्ते। और अब बना रहे हैं चाय क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो ये देख सकते हैं जंगल में कुछ इस तरीके का चूल्हा होता है, और ये देख सकती है इसको कहते हैं जाती, तो इसमें कितने अटकाने के लिए बना रखा है ये ये तो यहाँ घर है चाय गरम एक से गर्म हुई फेमस हो जाए लगा डांडा की कितली है एक कितली। तो अब जाके मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और लकड़ियां भी मैंने यहाँ पे रख दी है आंगन में, और अंशु आते ही गिर गया, क्या हालत बना रखी है अंशु ने। और ठंड की वजह से मैंने ये वाली चुन्नी ऐसे मान ली थी कानों पे, बस बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गए। तो चलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और साथ में जो चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।